यहीं की पैदाइश है। यहाँ के जन्म प्रधान का क्या नाम है? रतिपाल। रतिपाल नाम है प्रधान का नाम श्रीमती गुड़िया। श्रीमती गुड़िया देवी। श्रीमती गुड़िया देवी। अच्छा, वो यहाँ कब से हैं प्रधान? आप लोग की क्या समस्या है? उन्होंने क्या इसमें गांव में आप लोगों के लिए कुछ विकास किया? सैनिटाइजर है वगैरह, मास्क वगैरह है, क्या सुविधाएं हैं? रोड की सफाई की गंदगी क्या? सफाई क्या, कभी कभी नाली साफ होती है तो उसके बाद कचरा निकाल के फिर दूसरी जगह लगा दिया जाता है, इसको फुकवाते नहीं, बारिश होती फिर पूरा कचरा नाली पलट जाता है। अच्छा, आप नाली पोजीशन देख ही रहे हैं। हाँ। क्या है? नहीं नहीं, वो तो नाली पोजीशन जैसे कि हम लोग देख ही रहे हैं, जैसे कि वो सामने हम लोग नाली है, सब वो कूड़ा कचरा सब भरा हुआ है, जमा हुआ है, देख ही रहे हैं। और इसके अलावा और क्या? और ये हैंड पंप के लिए भी दिखाया जाए, ये हैंड पाइप का आज कई महीने, छः महीने से फर्स्ट इसकी टूटी हुई है। तो आपने कहा नहीं ग्राम प्रधान से? कई बार कह चुके हैं। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? बनेगा बनेगा बनेगा, बस इसी तरह जवाब मिलता रहता है। और आप लोगों ने एकजुट हो करके क्या आप उनसे क्या शिकायत नहीं करे या एप्लीकेशन आपने नहीं दी है? सेक्रेटरी से कहा गया है। अच्छा, सेक्रेटरी से कहा गया है कि मतलब कि वो नाली का वो चौकी जो है 6 महीने से खड़ी पड़ी है, उसको बनवा दीजिए। ये कह रहे हैं कि बजट ही नहीं नाली उसके चौकी के लिए। अच्छा, और बाकी और क्या समस्या है? अरे और समस्या क्या, ना यहाँ तो मास्क मिला है, ना बटे है, ना सैनिटाइजर बटा है। तो एक महीने में सफाई कर्मी आता है तो वहाँ से यहाँ तक का एक महीने में साफ होता, फिर दूसरे महीने में वहाँ से यहाँ तक साफ होता, तीसरे महीने में वहाँ से यहाँ तक जो कचरा निकाला जाता है वहीं पे रख दिया जाता है, धीरे धीरे फिर नाली में। कहने का मतलब ये है कि यहाँ के ग्राम प्रधान जो भी हैं, इनके जो इन लोग एप्लीकेशन या जो इनकी शिकायतें हैं वो उनको देते हैं, बताते हैं, लेकिन उसके खिलाफ उन लोग कोई भी कार्रवाई या कोई भी उस पर काम नहीं किया जाता है। अब आइए जानेंगे कि ग्राम प्रधान से कि उनके बारे में जो गांव गलवालों को जो उनको शिकायतें हैं या जो भी इनकी समस्याएं हैं उसका निवारण क्यों नहीं किया जा रहा है। आप बने रहिए NI 24x7 जिस सच दिखाने की, मोहम्मद साहब ब्यूरो चीफ के साथ।